क्वेश्चन नंबर 13 में अ पार्टिकल ऑफ मास इम इज अटैच टू वन एंड ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ कॉन्स्टेंट के लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजोंटल प्लेन. द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड. द पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग हॉरिजोंटली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन एट टी इक्वल टू जीरो विद इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट. एंड वेन द स्पीड इज 0.5 यू नॉट इट कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ रिजिड वॉल. आफ्टर दिस कोलिजन, देखो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो वापस आएगा सेम स्पीड से, वेलोसिटी रिवर्ट ही तो हो जाएगी. डायग्राम बना लेते हैं, और भी कई सारी चीज़ें चाहिए. लेट्स से ये पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ मास एम अटैच टू स्प्रिंग ऑफ कॉन्स्टेंट के, एंड लेट्स से दिस इज इट्स मीन पोजिशन. और कह रहा है कि मीन पोजिशन पे इसको हमने यू नॉट वेलोसिटी दी है, और ये जाके वॉल से टकरा जा रहा है. कब वॉल से टकरा जा रहा है? जब इसका वेलोसिटी यू नॉट बाई टू है. ठीक है, तो यू नॉट बाई टू से अगर टकराएगा तो ये यू नॉट बाई टू से वापस आ जाएगा. यानी जब ये मीन पोजीशन पे आएगा तो इसका यू नॉट वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन लेफ्ट साइड में ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि इधर तो स्प्रिंग ही है जब तक इसका वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाता. तो ए ऑप्शन में कह रहा है द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम पोजीशन इज यू नॉट. तो ये वाला ऑप्शन तो सही आएगा. ठीक है, फिर बी में कह रहा है द टाइम एट विच द पार्टिकल थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन पासेस थ्रू दी इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम. यानी कि इसको यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगेगा. तो अब ये बताओ पार्टिकल की स्पीड हाफ हो रही है, तो पार्टिकल की स्पीड हाफ का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो डिस्टेंस है x, ये अगर हम लोग एम्पलीट्यूड के टर्म्स में निकालना चाहें तो हमारे पास फॉर्मूला है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और v की वैल्यू मैक्सिमम स्पीड बाई टू दिया हुआ है. तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर बाई फोर. यानी x की वैल्यू यहाँ से रूट थ्री ए बाई टू आ रही है. और हम अगर सर्कल बनाएं ये पता करने के लिए कि पार्टिकल मीन पोजीशन से x इक्वल टू रूट थ्री ए बाई टू पहुँचने में कितना टाइम लेगा, तो ये बात हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस अगर रूट थ्री ए बाई टू है तो ये वाला एंगल पाई बाई थ्री होगा, और यहाँ से यहाँ जाने में उसको टी बाई सिक्स का टाइम लगेगा. तो टी बाई सिक्स जाने का और टी बाई सिक्स आने का, यानी कि बी ऑप्शन में जो पूछा गया है उसका टाइम टी बाई थ्री आएगा. टी बाई थ्री का मतलब होगा टू पाई बाई थ्री अंडर रूट एम बाई के. तो जो बी ऑप्शन में लिखा है वो तो आंसर नहीं है. ठीक है, इनफैक्ट द टाइम एट विच मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग अगर्स, मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब है कि जब वो यहाँ आएगा तो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए सी पार्ट में जो टाइम आएगा वो मैं कहूँगा कि टी बाई थ्री में टी बाई फोर हमें और ऐड करना पड़ेगा, तो ये आएगा सेवन टी बाई ट्वेल्व. तो सेवन टी बाई ट्वेल्व बन जाएगा सेवन पाई बाई सिक्स अंडर रूट एम बाई के. तो ये सी ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है. ठीक है, द टाइम एट विच पार्टिकल पासेस थ्रू इक्विलिब्रियम पोजिशन फॉर द सेकेंड टाइम. तो देखो फॉर द सेकेंड टाइम अगर निकालें तो पीछे जाना और वापस आना, तो इसका मतलब है कि इसमें सेवन टी बाई ट्वेल्व में हमको टी बाई फोर और ऐड कर देना है. तो ये हो जाएगा टेन टी बाई ट्वेल्व, तो ये आएगा फाइव टी बाई सिक्स. फाइव टी बाई सिक्स की वैल्यू आएगी फाइव पाई बाई थ्री अंडर रूट एम बाई के. यानी कि ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. तो ए एंड डी दो ऑप्शन करेक्ट हैं.